दोस्तों, अगर आपने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपनी डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो कैसे आपको डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे हुए अपनी डिग्री को रिसीव करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी हमारे 2022 तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया उसने, वो ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी डिग्री को रिसीव कर सकता है। तो कैसे आपको ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद जाना है आपको स्टूडेंट सेक्शन के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए, हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टूडेंट हेल्प डेस्क न्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आ जाएंगे हम वेबसाइट के पोर्टल पे, जहाँ से आप डिग्री, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है डिग्री के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है डिग्री स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, या और साथ में ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का। साथ में देखें, हमें नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिसमें देखिए आप मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं या ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। साथ में देखिए, डिग्री अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, जिसमें देखिए आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट में। साथ में आईडी प्रूफ में जो आपका आधार कार्ड है उसकी दोनों तरफ की आपको स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। साथ में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो फाइनल ईयर की आपके इंटर्नशिप की कॉपी भी आपकी अटैच होगी। बात करते हैं यहाँ पे जो फाइनल ईयर की मार्कशीट स्कैन कॉपी है, उसको आपको जो फाइनल की मार्कशीट जो आपको कॉलेज से रिसीव हुई है उसको ही अपलोड करना है। आप रिजल्ट की कॉपी अपलोड करेंगे तो आपकी जो डिग्री का रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मार्कशीट ले लेनी है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है कॉलेज जाके, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपनी मार्कशीट मंगवा सकते हैं, उसके बाद ही आप डिग्री के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए, आप डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्री के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्री टिल 2022। पहले यहाँ पे 2021 का ऑप्शन देखने को मिल रहा था, अब 2022 तक की डिग्री जो स्टूडेंट पास आउट है वो अपना ऑनलाइन डिग्री मंगा सकते हैं। इसमें देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सबसे पहले इसमें आपको अपना नेम फिल करना है स्टूडेंट का जो मार्कशीट पे अवेलेबल है। साथ में नेम हिंदी में फिल कर लेना है, फादर्स नेम इंग्लिश में और हिंदी में फिल कर लेना है, मदर्स नेम इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। साथ ही आपको ऑप्शन मिलता है रोल नंबर का। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट में आपका रोल नंबर मेंशन है, चाहे वो अल्फाबेट से मेंशन हो या विदाउट अल्फाबेट से मेंशन हो, जैसा भी हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एनरोलमेंट नंबर फिल कर लेना है आपको, साथ ही उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वो फिल करना है जो वर्किंग होना चाहिए, ताकि बाई पोस्ट जो आपकी डिग्री आपके घर पे आएगी वो उस पे इसी नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, आपको किस कोर्स के लिए अपनी यहाँ पे डिग्री मंगानी है, बी ए, बी एड, एम ए, एम कॉम, जो भी आपका कोर्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से कोर्स सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता नहीं होते हैं, तो आपके जो फाइनल की मार्कशीट है उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको अपना सब्जेक्ट पता है, आपने जो अपना कोर्स किया किस सब्जेक्ट से किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जो डिग्री में जो आपका डिवीजन क्या है आपका फाइनल रिजल्ट में, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, वो आपको मेंशन कर देना है। नेम ऑफ कॉलेज, किस कॉलेज से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसका नेम मेंशन कर देना है। आपने कोर्स जो किया वो रेगुलर किया या प्राइवेट किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपकी टिल 2022 जो आपको डिग्री का ईयर है, यानी किस ईयर में अपना अपना कोर्स कंप्लीट किया है, 2022, 21, 20, जिस भी ईयर में कंप्लीट किया है वो आपको मेंशन कर देना है। कमिट्स में आप कुछ भी का टाइप कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग हो चाहिए आपको फिल कर लेना है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी डिग्री के रिक्वेस्ट के लिए। साथ में उसमें मिलता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वो एड्रेस फिल करना है जिस एड्रेस पे अभी आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे बाय पोस्ट आपकी डिग्री सेंड की जाएगी। तो इसमें आपको अपना फुल एड्रेस मेंशन कर देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। सबमिट के उसमें क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर हमारा जनरेट हो जाता है, इसको हमें नोट डाउन कर लेना है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे जो हमने डिग्री के लिए किया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ में ऑप्शन मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो देखिए दोस्तों, आपको जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है, आपको देना है अपना फाइनल ईयर की मार्कशीट की यहाँ पे फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है, आधार कार्ड की बोथ साइड से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फाइनल ईयर की जो आपका यहाँ पे इंटर्नशिप की कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें देखिए मैक्सिमम साइज आपको रखना है 500 KB डॉक्यूमेंट का और फॉर्मेट रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का PDF। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने मार्कशीट को अपलोड नहीं किया है, ना ही आधार कार्ड को अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ऑल फाइल्स मार्कशीट और आधार नोट अपलोड। तो यहाँ पे हमें अपलोड फाइल का उसमें क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी मार्कशीट और आधार कार्ड की बोथ साइड की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड होने के बाद देखिए शो कर जाएगा, तो ऑल फाइल मार्कशीट और आधार यहाँ पे अपलोड शो करने लगेगा। साथ में उसमें मिल जाता है जिस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं
हैं कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो सही अपलोड की है नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर साथ हमारा नेम शो करता है कि स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, साथ में डिग्री एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है, स्टेटस हमारा कंप्लीट शो कर रहा है, साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट जो हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं डॉक्यूमेंट अपलोड और स्टेटस में हमारा कंप्लीट है, साथ में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते जो हमारा डिग्री का हमने रिक्वेस्ट किया है उसका एप्लीकेशन प्रिंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने पास सेव रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसी प्रिंट के अंदर आपको जो रिक्वेस्ट नंबर है वो भी आपको शो करता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रिक्वेस्ट नंबर हमारा सेम होता है, जिससे आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हमें वेट करना है 15 डेज का, यानी 7 डेज से लेकर 15 डेज के अंदर आपकी डिग्री आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दी जाएगी, जिसका स्टेटस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है, दोबारा से वेबसाइट पर आना है। अब देखिए अगर आप स्टूडेंट लॉगिन डिग्री के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका लॉगिन ना हो, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको अपना डिग्री का स्टेटस चेक करने के लिए सर्च स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च टाइप में डिग्री सेलेक्ट रहना है। इसके बाद देखिए आपको अपना रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। रोल नंबर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है उसकी जो आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया है, तो हमने यहाँ पे 2022 डिग्री के लिए अप्लाई किया है, उसकी स्टेटस डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। साथ में स्टेटस शो कर रहा है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस और रिमार्क्स में हमारा पेंडिंग शो करेगा। तो अब हमें वेट कर लेना है 7 to 15 डेज का। 7 डेज बाद आप चेक करेंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको स्टेटस शो कर जाएगा। जो भी आपका स्टेटस है, जैसे यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है मेरा रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, यानी स्टेटस हमारा रिक्वेस्टेड जो हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो योर डिग्री रिमार्क्स के अंदर मेंशन है योर डिग्री कंप्लीटेड सेंट बाय पोस्ट, और एक ट्रैकिंग आईडी नंबर मेंशन होता है जिससे आप अपनी डिग्री को ट्रैक कर सकते हैं। यानी अब आपको वेट करना है, बाय पोस्ट आपकी डिग्री आपके घर पे सेंड की जाएगी। अगर आपकी डिग्री को 15 डेज हो चुका है और आपका रिमार्क्स ट्रैकिंग आईडी शो कर रहा है, तो आपको इस केस में जाना होगा जो आपका नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है उस पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर बताना है। अगर वहाँ पे आपकी डिग्री अवेलेबल है तो आपको डिग्री रिसीव कर लेना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। हो सकता है डिग्री उस पोस्ट ऑफिस में भी पहुंची ना हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो आपकी डिग्री आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके अपने ट्रैकिंग नंबर आईडी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, डिग्री कहाँ तक पहुँची है, एक टू जेड डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ दोस्तों बात करें अगर आप 2022 के लिए डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी आपका जो यहाँ पे स्टेटस है वो रिजेक्टेड शो करेगा, क्योंकि कुछ जो कॉलेज की है यहाँ पे जो डिग्री का स्टेटस है वो रिजेक्टेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उनकी डिग्री अभी प्रिंट नहीं हुई है। आपको रिमार्क्स में मिलेगा भी यही कि आपकी जो डिग्री है अभी प्रिंट नहीं हुई है 2022 की, आपको वेट करना होगा। और अगर आपका ये स्टेटस शो करता है कि आपकी जो डिग्री रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो प्रिंट नहीं हुई है, तो आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, आपको वेट करना होगा 1 to 2 months के लिए। उसके बाद जब वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो अभी 2022 का स्टूडेंट जो है वो अब अप्लाई ना करें अभी, क्योंकि उनकी जो डिग्री है बहुत से कॉलेज की अभी प्रिंट नहीं हुई है। हो सकता है कैंपस की या फिर जो कुछ कॉलेज की अभी डिग्री सिर्फ प्रिंट हुई है, जिसका आपको ऑप्शन जब अप्लाई करने के बाद ही पता चल पाएगा कि डिग्री प्रिंट हुई है या नहीं हुई है, जो भी स्टेटस आपका है वो शो कर जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे हुए आप अपनी डिग्री को मंगा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप डिग्री लेने जाएंगे तो वो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी डिग्री मंगवा सकते हैं। 2022 तक डिग्री स्टूडेंट जो है पास आउट है वो अपनी डिग्री ऑनलाइन अप्लाई करके मंगा सकता है, लेकिन 2022 की डिग्री अभी प्रिंट नहीं हो रही है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो हमारी डिग्री प्रिंट नहीं हो रही है जिस वजह से रिजेक्ट हमारा यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। तो अगर आप 2021 तक अपना अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी डिग्री रिसीव कर सकते हैं। 2022 के जो स्टूडेंट हैं वो भी वेट कीजिएगा, हो सकता है 1 month के अंदर ही आपका स्टेटस जो यहाँ पे वो शो करना कर जाए कि आपका जो डिग्री है वो आपका एड्रेस पर सेंड की जाएगी। लेकिन अभी जो डिग्री का जो मैक्सिमम स्टेटस है वो हमारा रिजेक्ट शो कर रहा है क्योंकि डिग्री हमारी प्रिंट ही नहीं हुई है, लेकिन ऑप्शन हमारा अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन, अगर आपका डिग्री प्रिंट हो गई है तो आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी, अदरवाइज आपका स्टेटस के अंदर आपको रिजेक्ट शो कर जाएगा। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा कौन स्टूडेंट अभी अप्लाई कर सकता है डिग्री के लिए, कौन स्टूडेंट अभी अप्लाई ना करें। तो मैं मैक्सिमम प्रेफर करूँ 2022 के स्टूडेंट जो है वो अभी डिग्री के लिए अप्लाई ना करें, वो वेट करें 1 month का, उसके बाद ही डिग्री के लिए अप्लाई करें। तो यार दोस्तों क्लियर हो गया होगा आप कैसे ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करना है,
कैसे आपको अपना फॉर्म को फिल करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे स्टेटस चेक करना है, और ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलने के बाद कैसे उसको आपको वेरीफाई करना है कि आपको जो डिग्री है वो कहाँ तक पहुंची है और कब आपको रिसीव होगी, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।